इस मंद उपभोग और कम निवेश के चलते बेरोजगारी तो बढ़ी ही है, तमाम एमएसएमईज बंद हुए हैं और उसके ऊपर से महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। ड्रोन से अब आलू उठवाएंगे, उसी आलू से जिससे उन्होंने सोना बनाने को कहा था। मोदी जी पहले आलू से सोना बनाने वाले थे, अब ड्रोन से आलू उठवाएंगे। खोखला प्रचार, ताली वाली सब चलती रहेगी, लेकिन गरीब इस देश में और गरीब होता रहेगा। आटा और दूध जैसी चीजों का दाम, आग लगी हुई है उनमें, क्या इससे गरीब का भला हो रहा है? इस देश में गरीबी, गुर्बत और भूख एक भयावह स्थिति में है, पर मोदी सरकार की तरफ देखिए तो वो बेखबर हैं, बेखौफ हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कल शाम को वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड काल के दौरान 5.60 करोड़ लोग अत्याधिक पावर्टी, अत्याधिक गरीबी, एब्जेक्ट पावर्टी में ढकेल दिए गए। यह एक बड़ा खुलासा है। और यह करने से पहले वर्ल्ड बैंक ने यह भी किया कि तीसरी बार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को इस साल घटाया और 7.5% से घटाकर 6.5% पर कर दिया गया। अब विशेषज्ञों की माने तो वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो गरीबी का आंकड़ा बता रहा है, जो एब्जेक्ट पावर्टी, अत्याधिक गरीबी का आंकड़ा बता रहा है, वो कम है, क्योंकि उन्होंने डॉलर के परचेजिंग पावर पैरिटी मूल्य को करीब 20 पर रखा है। और असल में जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, जो स्थिति, जमीनी हकीकत है, वो और भी भयावह है। कुछ विशेषज्ञों ने आंकड़े देकर कहा है कि 27 से 30 करोड़ लोग अत्याधिक अथक गरीबी, एब्जेक्ट पावर्टी का शिकार हुए। नीति आयोग का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, मल्टीलैटरल पावर्टी इंडेक्स, वो कहता है देश के 25% लोग गरीब हैं। 140 करोड़ की इस आबादी में 36 करोड़ 25 लाख लोग गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं। यह देश गांधी का देश है, जिन्होंने कहा था नीति निर्माण के वक्त पंक्ति में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति का चेहरा याद करिएगा। वहां पर गरीबी लगातार बढ़ रही है और बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 साल में हमने तमामों लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर उठाया था, 27 करोड़ लोगों को। इसी स्थिति से घबराकर, इसी स्थिति की आशंका थी जब कांग्रेस अध्यक्ष ने और श्री राहुल गांधी जी ने सरकार को आगाह किया था कोविड के दौरान कि लोगों के हाथ में पैसा डालिए, लोगों के हाथ में पैसा डालिए, कंजम्पशन बढ़ेगा, जो कुचक्र अर्थव्यवस्था का हो गया वो ना होता। अगर बात सुन ली होती तो ये लोग गरीबी में की सीमा रेखा के नीचे और अथाह गरीबी में ना ढकेले जाते। अगर सरकार के कान पर जू रेंगी होती हमारी बातों पर तो करोड़ों लोग चिलचिलाती धूप में पैदल ना चलते। अगर उन्होंने सुना होता तो तमामों लघु मध्यम उद्योग बंद ना होते। अगर उन्होंने सुना होता तो अर्थव्यवस्था इस बुरी तरह से ठप ना होती। अब हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को, अब हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटाने को सरकार एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का नाम दे दे, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अकेले ऐसा नहीं किया है। मूडीज का भी यही कहना है, फिच ने भी यही किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी ये किया है, तमामों ब्रोकरेजेस ने, तमामों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हमारे जीडीपी ग्रोथ को लगातार नीचे ढकेला। लेकिन अगर ये इंटरनेशनल साजिश है जो कि सरकार कह सकती है तो छोड़ दीजिए ईडी, अब आपकी ईडी वर्ल्ड बैंक के भी पीछे पड़ जाए, पर उसमें शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन व्यंग के आगे असली सच सुनना जरूरी है। बुरी तरह से बदतर हो रहे हैं हालात। 82.33 रुपया मूल्य हो गया है रुपए का एक डॉलर के बनिस्पत, 82 रुपया। जो कहते थे कि होड़ लगी है रुपए की गिरावट और प्रधानमंत्री की गिरती हुई प्रतिष्ठा में, वो किस गोता में गोताखार बन के अपनी प्रतिष्ठा ढूंढ रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार इस साल की शुरुआत से अभी तक $100 बिलियन खर्च हो चुका है, $100 बिलियन, और उसके बाद भी रुपए की गिरावट को रोका नहीं जा पा रहा है।
चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट हो, चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, भयावह स्थिति है। ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा दोगुना हो गया है, एक्सपोर्ट 3.5% डिप कर रहा है। एफएमसीजी की सेल, जो जरूरी सामान होते हैं, तेल, नमक, टूथपेस्ट, सर में लगाने वाला तेल, साबुन, शैंपू, 10% इनकी सेल में गिरावट आई है। यह सीधा गरीबी से रिलेटेड है। इस मंद उपभोग और कम निवेश के चलते बेरोजगारी तो बढ़ी ही है, तमाम एमएसएमईज बंद हुए हैं, और उसके ऊपर से महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। इसका असल में आईना जो है तो आरबीआई दिखा रहा है सरकार को। 4-4 बार रेट बढ़ाए गए हैं, लोन भी महंगा हो रहा है, ईएमआई भी ज्यादा हो रही है। यह सरकार की फिस्कल नीतियों की विफलता का परिणाम है। पर इस भयावह स्थिति से क्या मोदी जी परेशान है? जी नहीं, खोखला प्रचार जारी है। गरीब की थाली में प्रहार जरूर कर रहे हैं, लेकिन द्रोणाचार्य बने हुए हैं। ड्रोन से अब आलू उठवाएंगे, उसी आलू से जिससे उन्होंने सोना बनाने को कहा था। मोदी जी पहले आलू से सोना बनाने वाले थे, अब ड्रोन से आलू उठवाएंगे। मोदी जी मेट्रो का 2019 में भी उद्घाटन करते हैं, फेज वन का अहमदाबाद में, फिर फेज वन का सितंबर 2022 में करते हैं। यह सब काम चलता रहेगा, खोखला प्रचार, ताली वाली सब चलती रहेगी, लेकिन गरीब इस देश में और गरीब होता रहेगा, शिकन नहीं आएगी चेहरे पर। इस देश का किसान आत्महत्या करेगा और आपका नाम लिखकर आत्महत्या करेगा, और आप द्रोणाचार्य बनकर ड्रोन से आलू को उठवाइएगा। इसीलिए कुछ ज्वलंत सवाल हैं और इसी के साथ हम अंत करेंगे। इस देश में जब कच्चे तेल का वैश्विक दाम $116 प्रति बैरल से घटकर $91 प्रति बैरल हो गया, इस दौरान पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं घटाया गया? सीएनजी का दाम 6 रुपए बढ़ा दिया और पीएनजी का दाम 4 रुपए बढ़ा दिया। लोगों की जेब को डाका डालना, इसको कहते हैं। देश की 130 ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट 200% बढ़ा दिया, फीस 400% बढ़ा दी यूनिवर्सिटीज में, इसका क्या जवाब है? क्या यह गरीबी पर प्रहार है या नहीं है? आटा और दूध जैसी चीजों का दाम, आग लगी हुई है उनमें, क्या इससे गरीब का भला हो रहा है? विश्व हंगर इंडेक्स में 116 देशों की सूची में 101 पर है हम, नेपाल और भूटान के नीचे। क्या गरीब को दो वक्त भरपेट खाना दिलाना आपका काम नहीं है मोदी जी? और 135 करोड़ के इस देश में, 140 करोड़ के इस देश में 80 करोड़ लोगों को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज वो आपका मुफ्त का अनाज लेने के लिए मजबूर है। यह आपकी उपलब्धि नहीं है, यह आपकी विफलता है। जिस दिन समझ जाइएगा गरीबों का भला करिएगा, तो अब बताइए आप गरीबों के लिए क्या करिएगा? आंख मूंद कर मुंह फेर लीजिएगा जैसा कि अभी तक करते आए हैं, या उनके लिए कुछ करिएगा? हां, आप बधाई के पात्र हैं, 643वें नंबर पर अडानी जी थे आपके सत्ता में आने से पहले, आप उनको विश्व के अमीर आदमियों की सूची में दूसरे नंबर पर ले आए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन थैंक यू मोदी जी, 5,60,00,000 एब्जेक्ट पावर्टी, अत्याधिक पावर्टी, अत्याधिक गरीबी, अथाह गरीबी में धंसने वाले लोगों के लिए किसको कहा जाए, इस बात का भी जवाब दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।